नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू होगी नई हाइड्रो पावर पॉलिसी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को किया सम्मानित। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। कहा, प्रत्येक समस्या के समाधान और सरलीकरण पर दें विशेष ध्यान। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रूफ गार्डनिंग पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, शहरी क्षेत्रों में रूफ गार्डनिंग की है अपार संभावनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही तय हुआ कि प्रदेश में अब पैरोल की अनुमति जिलाधिकारी से ही मिल पाएगी। पहले इसकी अनुमति कमिश्नर के स्तर से ही मिल पाती थी। इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के ढांचे के पुनर्गठन के साथ ही सिडकुल की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तराखंड में पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। प्रदेश की 20 आईटीआई संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। परिवहन सिटी बस में मोटरयान कर में 100% छूट दी जाएगी। रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी मास्टर प्लान बनेगा और दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी जाएगी। अगला मंच हमारा ये ऊर्जा विभाग का मंच था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जल विद्युत नीति आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई थी, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। निशक्त व्यक्तियों के पक्ष में 25 लाख तक के मूल्य की जो स्थायी संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट का प्राविधान इसमें किया गया है। 25% तक की छूट करने का प्रावधान इसमें किया गया है और ये जीवन काल में 2 बार के लिए अनुमोदित होगी। इसके अलावा अगला मद संख्या 10 ये आवास विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई है। जैसा कि आप लोगों को विनती है कि हमारे प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी पार्किंग की समस्या है, तो कैसे हम लोग पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करते हुए और सरकारी जमीनों और निजी जमीनों दोनों का इस्तेमाल करते हुए पार्किंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए एक नीति प्रख्यापित की गई है, जो कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में काफी लाभकारी होगी और पार्किंग को बढ़ावा इसके माध्यम से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शिक्षक योग दृष्टा ऋषियों के समान हैं, जो समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपीएसए द्वारा शिक्षकों की प्रतिभा को उभारने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पीपीएसए प्रौद्योगिकी कौशल और स्कूली पाठ्यक्रम पर खुली और रचनात्मक चर्चा द्वारा विचारों के आदान प्रदान के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान कर रहा है। पीपीएसए द्वारा प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ाने में भी सरकार को समय समय पर अपना सहयोग प्रदान किया गया है। आप सब लोग इस 2 दिन के चिंतन से, मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह अमृत हमारे आने वाले नौनिहालों के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। उनको जहां आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा, वहीं उनको जीवन में किस राह में जाना है
वह भी दिखाने का काम करेगा। मैं बीपीएससी द्वारा जो लगातार हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा उनके द्वारा उपलब्ध अवसरों के मध्य दूरी को कम करने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को निर्धारित अवधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 में प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल औपचारिक नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान का कारगर माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 15 दिन में हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की शासन स्तर पर समीक्षा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति सप्ताह सभी जनपदों के कुछ शिकायतकर्ताओं से वो वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही सरकार का उद्देश्य है। लोगों की संतुष्टि के लिए यदि इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो भी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के शिकायतकर्ता सुनील और रुद्रप्रयाग के वीरेंद्र सिंह से वार्ता भी की। वहीं हेल्पलाइन 1905 पर फोन कर कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को भी परखा। और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रूफ गार्डनिंग पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रूफ गार्डनिंग की अपार संभावनाएं हैं। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा रूफ गार्डनिंग को बढ़ावा देने हेतु 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रूफ गार्डनिंग सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रूफ गार्डनिंग को देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है और निकट भविष्य में इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि आप अपने घर में ही अच्छी सब्जी उगा सकते हैं। हम रूफ गार्डनिंग मुख्यमंत्री रूफ गार्डनिंग योजना जिसका शुभारंभ 25 तारीख को करेंगे, उसके लिए हमने लोगों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है उद्यान विभाग के द्वारा, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि कौन कौन से पौधे कब लगाने चाहिए, उसमें किस मात्रा में पानी डालना चाहिए, किस मात्रा में खाद डालनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है। और निश्चित ही इसकी लॉन्चिंग के बाद अभी उसको हम शहरी क्षेत्रों में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जमीन कम होती है, लोग छतों पर गमलों में रखते हैं, लोग गमलों में फूल लगाते हैं, अपनी सब्जियाँ लगाएंगे और 20-30 पौधे हम उसमें वितरित करेंगे और देहरादून को उसमें हम पायलट प्रोजेक्ट हमने लिया है और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर इसको लागू करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार ग्वालगढ़ बीट में आज हाथी के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र ध्रुवपुर की 5 महिलाएं निकटवर्ती लैंसडॉन वन प्रभाग के ग्वालगढ़ बीट में चारा पत्ती लेने गई थीं। इस दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। भगदड़ में सबसे आगे चल रही एक महिला हाथी की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण, वन विभाग और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अन्य घायल महिलाओं को स्थानीय बेस अस्पताल में
भर्ती कराया। लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी दिनकर तिवारी ने बताया कि वन क्षेत्र में लगातार हाथियों की गतिविधि बढ़ रही है, ऐसे में जंगल जाने से आम लोगों को बचना चाहिए। ये जो है कोटद्वार रेंज के ग्वालगढ़ कंपार्टमेंट नंबर 5 में हुआ। एक रोज की तरह रूटीन में महिलाएं घास के लिए जाती हैं, तो जब महिलाएं घास के लिए गई तो एक जगह सकरी जगह है, वहाँ ऊपर से हाथी आ गया और संभवतया एकदम न तो ये देख पाई कि हाथियों को देख नहीं पाई और वो जो सबसे आगे वाली महिला थी उस पर उसने अटैक कर दिया और एक महिला तो भागने में सफल रही, तीनों को चोट लगी है, तीनों एडमिट हैं इसमें हॉस्पिटल में। तो और उसमें से जो लक्ष्मी देवी है जिसकी उम्र करीब करीब 47 वर्ष है, उसकी डेथ हो गई। देखिए वो गांव के ही नज़दीक का एरिया है और वहाँ पर हाथी दीवार भी है, लेकिन क्योंकि महिलाएं रूटीन में जंगल में घास के लिए जाती हैं और स्टाफ तो है ही वहाँ पर इस समय हाथियों की थोड़ा गतिविधि बढ़ी हुई थी, तो इसलिए ये घटना घटी थी। नहीं देखिए डेथ के लिए भी और घायलों के लिए कंपनसेशन की कार्रवाई हम तुरंत कर देंगे और तुरंत उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। देखिए ऐसा है, आम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जंगल में यदि जंगली जानवर की गतिविधि बढ़ी है तो वहां जाने से अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करें। टिहरी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के चयन को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 12 से अधिक गांवों से भूमि के लिए आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पांगरखाल, कुट्ठा, कोलधार, बालमा और खेमड़ा के ग्रामीणों ने निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने टिहरी के तहसीलदार को 15 दिन के भीतर इन गांवों की भूमि का सर्वे कर उनकी GPS लोकेशन सहित अन्य रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन सके, क्योंकि यहाँ पानी हमारे पास इतनी बड़ी झील है, ऑक्सीजन है जो जीवन के लिए जरूरी है, तो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा का केंद्र बन सके और उसी हिसाब से यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उसको अवसर मिल सके, उसकी काज शुरुआत हुई है। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने इस पर प्रक्रिया शुरू की है। जैसे अभी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको ठीक करना है, PG कॉलेज को ठीक करना है, यूनिवर्सिटीज को ठीक करना है, तो उसका एक ही शुरुआत है जिसको हम ये कह सकते हैं कि श्री गणेश हो रहा है और भविष्य में प्रदेश में नहीं पूरे देश और विश्व में टिहरी एक प्रमुख स्थान में इस इन क्षेत्रों में आ सके, उसकी कोशिश है, उसका आरंभ है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत संवारने का काम किया जा रहा है। 3 चरणों में होने वाले निर्माण कार्यों के पहले चरण के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट PMO को भी दी जा रही है। कपाट बंद होने के 1 महीने बाद भी मौसम अनुकूल होने और पहाड़ों पर धूप खिली होने के कारण बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और PIU को बद्रीनाथ में स्थापना सुविधा स्थापित करने हेतु शीघ्र प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे अगले सीजन में यात्रियों का आवागमन सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। पहले चरण के कार्यों में BRO बाईपास और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अराइवल प्लाजा, वन वे लूप रोड, अस्पताल विस्तारीकरण और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य तेजी से चल रहा है। दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में अभी जो प्रथम चरण के कारण है वह कपाट बंद होने के बाद भी गतिमान है और जो हमारी PIU बद्रीनाथ है उनको निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त संख्या में मजदूर तैनात कर कि जब तक सीजन हमारा अवेलेबल है उसमें काम हमारा चलता रहे। द्वितीय चरण में जो मंदिर परिक्षेत्र में काम होना है उसकी भूमि अधिग्रहण और प्रस्तिकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है, तो शीघ्र ही द्वितीय चरण के काम भी उसमें प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी के साथ समाचारों का यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।